गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज हम लोगों लिवर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज का जो है इश्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे. टू वीक्स बैक में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज को दिए थे. अगेन बहुत आदमी हमको रिंग करके कहा कि सर उसका बारे में भी और एक बार दीजिए. सो मैक्सिमम प्रॉब्लम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी है ऐसा. सो और ये इंटरलेटेड भी है. आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे लिवर डिजीज के बारे में. और इसमें पहले मैं हमारा इंट्रोडक्शन में दे दूंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इन्वेंटर हूं. माय नेम इज एस एम राजू. सिंस 1981 से मैं हर्बल कॉम्पाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे. एंड ये जो है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. बेसिकली हमको कुछ प्रॉब्लम था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसका वजह से हमारा ऊपर हम ट्रायल किए. और उसके बाद में पिताजी का किडनी फेलियर हुआ था, उनको ऊपर ट्रायल किए. और उसके बाद में 2010 में हमारा जो बेटा का जो ब्लड कैंसर हुआ था अक्यूट मेलानोकेमिया, उनका ऊपर हम ट्रायल किए. सो होते होते सब लोग कहा कि इसका पब्लिक को भी ले आना चाहिए. सो इस तरफ से आज पब्लिक के लिए आया है. अभी इसमें तीन कैटेगरी ऑडियंस है, पेशेंट्स भी है एंड डॉक्टर्स भी है. एंड जो इस मिरेकल ड्रिंक्स का डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है. और इसमें अभी आज का मतलब मीटिंग में इवन अब्रॉड्स भी मे बी कुछ लोगों बैठा हुआ है. सो जो आदमी हमसे कम्युनिकेट किया उन लोगों को भी मैं इसका जो आज का वर्कशॉप के बारे में कहे. सो एक चीज मैं आपको बताऊं, सारे बीमारी का अड्डा मैं कह सकता हूं लिवर. हम लोगों लिवर ठीक रखे तो हर बीमारी क्लियर हो सकता है, ये मैं देख लिया है. एंड उसका पहले मैं बताऊंगा, अभी कुछ यू नो विदेश से भी बैठा हुआ है इसलिए प्रोडक्ट के बारे में. ये जो हर्बल कॉम्पाउंड्स में इन्वेंट किया गया है ये इंडिया में ब्रांडेड नेम है मिरेकल ड्रिंक्स. ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंट्रोल एक्ट. एंड उसको बेचने के लिए कोई लाइसेंस इंडिया में जरूरत नहीं है. और 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FSSAI 2006 एक्ट अमेंड करके ये ऑलमोस्ट ऑल दीज अर्ब्स जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंट्रोल एक्ट शेड्यूल वन का में लिस्टेड क्लासिकल बुक्स जो वैदिक लिटरेचर हम लोग आता है उसमें जो मेंशन किया गया है बहुत एक अर्ब्स को हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया है. अभी अब्रॉड में ये जो है हेल्थ सप्लीमेंट का रूप में जाता है, उधर ब्रांड नेम वैदिक ड्रिंक्स है. सो इंडिया में मिरेकल ड्रिंक्स है. सो आज का टॉपिक जो लिवर का बारे में हम लोग शुरू करेंगे. शुरू करने का पहले मैं एक वीडियो क्लिपिंग में दिखा दूंगा लिवर सिरोसिस कैसा, मतलब उनका जो पिताजी को ठीक हुआ था. सो उसके बारे में मैं दिखा दूंगा. ये जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस कन्नड़ में है, मैं वो क्या कह रहा है
मैं आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा सो आप लोगों को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा. ये ना कमांड है हां कमांड है वो सेलेक्ट करिए पहले कमांड ए ए बहुत है इसमें. मैं इसको मैं है ना ऑन करना चाह रहा हूं स्किप एंड ये अरुण अंत सर अभी ये कन्नड़ में गा रहा है. मैं स्टॉप स्टॉप करके मैं इसको ट्रांसलेट ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬದುಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು 100,000 ಏ ಕಾರ ಹೈ ಮೇ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಹೈ ಔರ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಹಮಾರ ಪಿತಾಜಿ ಕೋ ಮೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಿಯೇ ಗಯೇ ಥೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಅದಾಗೋರ್ಗು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಾ ಅವ್ರ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಕಾ ಸಾತ್ ಸಾತ್ ಮೇ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿ ಉನ್ಕೋ ತೋ ತಾ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ದುಡ್ಡು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಭಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇ ವೋ ಪೇಷಂಟ್ ತಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೈಸಾ ಕಿತ್ನಾ ತಾ ಉಸ್ ಸಮಯ ತಕ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾ ಜಬ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೈಸಾ ಖತಮ್ ಹುವಾ ಅವ್ರ ಪೈಸಾ ನಾ ರಹನೆ ಕಾ ವಜಹ ಸೆ ಘರ್ ಲೇ ಗಯಾ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಪರಿಚಯ ಬಂದಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಏ ವಾಪಸ್ ಜಬ್ ಲೇ ಗಯಾ ಟೆಂಪಲ್ ಮೇ ಗಯಾ ಪೂಜಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪೂಜಾ ಕರ್ಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಉಪರ್ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಏ ಕರೆಂಗೆ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಲೇ ಲೇಂಗೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕೋಯಿ ಇಲಾಜ್ ನಹೀ ಹೈ ಐಸಾ ದೆನ್ ಉಸ್ಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಕಾ ಇಸ್ಕಾ ಜಾನ್ಕಾರಿ ತಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅವಾಗ ಬಂದ್ವಿ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುದ್ದು ಈ ಮೂರ್ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಮ್ಯುನಿ ಕೇರ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೂರ್ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಕುಡ್ದಾಗಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ 4.3.8 ಹಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್, ಇವಾಗ 1.7 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊದ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು, ನೀರ್ ತುಂಬೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ ಹಾಕಿ 3.5 or 4 ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಅಂತ 1.7 ಅವ್ರ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪರ್ ಓದಾಕ ಓ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 3.8 ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಸ್. ಸೊ ಇಸ್ಮೇ ಕ್ಯೂ ಮೇ ದಿಖಾಯೆ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಜೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಕಾ ಪವರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಕೈಸಾ ಮತ್ಲಬ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಜೋ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಜೋ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೇ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ದಿಖಾಯೆ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಿ ಔರ್ ಏಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬತಾಯೆಂಗೆ ವೋ ಜೋ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೈ ये बहुत बड़ा रियल एस्टेट का लैंडलॉर्ड है, ये जो दिल्ली में रहता है. किसी ना किसी का थ्रू हमको कनेक्ट हुआ था इस प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन के लिए. वो जो है क्रॉनिक
जो अल्कोहलिक का जो लिवर प्रॉब्लम था एंड क्रॉनिक पेन रहता था उनको, कुछ भी मतलब दवा लिए तो भी वो ठीक नहीं होता था। टॉप मोस्ट डॉक्टर्स जो भी हो सबसे ट्रीटमेंट लिया, कुछ नहीं हुआ था। सो वो उस समय पर ओनली लिवर केयर लिया एंड 8 दिन से 10 दिन तक ही उनको ठीक हुआ। सो मतलब इस तरफ से मतलब ये है। एंड अभी हम लोग आएंगे फॉर्मल जो डिस्कशन अभी पीपीटी। सो So, power of Ayurveda, treating in liver and gastrointestinal diseases. उसके बाद में वो उसको subject ले लेंगे, अभी liver के बारे में करेंगे through herbal and home remedies का द्वारा। अभी आप सबको जानकारी है but still कुछ लोगों हमको कहा था कि सर pictographically भी आप बताए तो अच्छा रहता है। सो जो भी बीमारी को आप डिस्कशन करेंगे इत्यादि। सो इधर आपका शरीर देख लीजिए, ये कहाँ लिवर है, कहाँ पैंक्रियास है और कहाँ गॉल ब्लैडर है। सो ये गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियास, ये तीनों जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसा मतलब ये करता है, ये सारे चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन देखिए हेल्थी लिवर एंड अनहेल्थी लिवर। सो नाउ आएंगे हम लोग, अभी हम लोगों जो लिवर जो है, लिवर को हम लोगों पावर हाउस कहता है। सो क्यों पावर हाउस, सारे मतलब जो भी मतलब हमारा जो बॉडी का सिस्टम रन करेगा ये बेसिकली थ्रू लिवर ओनली मेनली। सो कैसा मैं उदाहरण में आपको बताएंगे, लगभग 2017 में हम ब्रह्मकुमारी इंटरनेशनल में कुछ लेक्चर देने के लिए गए थे एंड उधर कुछ लोगों ट्रीटमेंट की गई थे। उधर अभी शी इज नो मोर जानकी दादी जी, उनका जो जो असिस्टिंग पर्सन था सिस्टर, उनका जो बॉडी खुल गया था एंड नींद नहीं आता था एंड बॉडी इचिंग भी था एंड उसके बाद में वो जो है उधर ही ग्लोबल हॉस्पिटल में टेस्ट करने के बाद में उनका जो भी पैरामीटर्स है, लिवर का हो, लिवर का एसजीबीटी, एसजीओटी, बिरुलिन इत्यादि, किडनी प्रोफाइल हो या अन्य जो भी प्रोफाइल हो सब नॉर्मल था, लेकिन ये प्रॉब्लम था। देन उनको एक अंबिका सिस्टर है फ्रॉम बैंगलोर, ब्रह्म कुमारी का रीजनल डायरेक्टर, वो उनको लिवर प्रोटोकॉल दिया था। एक बार उधर लेक्चर दिए थे, उनको याद था ये प्रॉब्लम के लिए ऐसा होगी। आप इमेजिन नहीं कर सकता है, 2 महीना में उनका बॉडी स्वेलिंग खत्म हुआ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हुआ एंड उसका बाद में नींद आने लगे। सो द होल बॉडी पैरामीटर उनका चेंजेस हो गया। जब हम गए थे उधर लेक्चर देने के लिए, तुरंत वो खोज करके आया जो भाई साहब आया हुआ है ऐसा हमको धन्यवाद देने के लिए। मैं क्यों ये कह रहा हूं, बहुत आदमी को कुछ बीमारी है, वो जो कितना भी कैसा भी मेडिसिन लिए तो वो बीमारी उनको ठीक नहीं हो रहा। सो उसका अर्थ क्या है कि 100% उनका जो है लिवर फंक्शन में कुछ डिफेक्ट है। एंड अभी हम लोगों का जो भी मेडिकल साइंस में जो पैरामीटर्स है, सो उस पैरामीटर्स का अनुसार सर्टन मतलब थिंग्स को हम लोग रखा है कि इतना लेवल तक एसजीपीटी, एसजीओटी, बर्लिन रहे तो हेल्थी पर्सन है, ये 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 ऐसा। लेकिन इसका बावजूद प्रॉब्लम है, मतलब
सर्टन थिंग्स को अभी तक हम लोगों मतलब रिसर्च में रिसर्च करके उस इश्यूज को हम लोगों नहीं पाया लगता है। सो अभी क्या है कि रूट में इसका जड़ को हम लिया है, उस जड़ को लेकर के जब लिवर डिटॉक्स कैसा करना है उसको जब हम शुरू किए, एंड आपको आश्चर्य लगेगा बॉडी इचिंग जो पर्सन को 18 मतलब आई थिंक 12-13 साल एक लड़का वो अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, आई थिंक नाउ 21-22 जब वो मतलब 8वां या 10वां साल में उनको बॉडी इचिंग शुरू हुआ था, सो उसका जो क्लियर नहीं हुआ था किसी के थ्रू आया, एक महीना तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, ऑलमोस्ट 30 डेज के बाद में इतना इफेक्टिवली उनका बॉडी इचिंग क्लियर हुआ आप इमेजिन नहीं कर सकता है। सो अभी क्या है कि ये जो मतलब लिवर के बारे में थोड़ा आप लोग अंडरस्टैंड करें तो देन ऑटोमेटिकली आप लोगों का मतलब होलिस्टिकली आपका शरीर कैसा आपको आप अपडेट रख करके स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है। एक है लिवर, जो भी आप खाना खाएंगे उसका जो कंप्लीट मतलब प्रॉपर डाइजेशन हो करके माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी मॉलिक्यूल का रूप में उसको ये करके किस मतलब बॉडी ऑर्गन्स को क्या चाहिए उसको मतलब पंपिंग करने का। सेकेंडली जो आप ये जो भी पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू फूड ले लेंगे और जो भी टॉक्सिन्स आपका जो इन्हेलेशन से आता है, ये सारे चीज को मेनली डिटॉक्स करने का ऑर्गन ही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ये बाइल जूस क्रिएट करता है और थ्रू मतलब गॉल ब्लैडर थ्रू वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन पास ऑन करके जो भी आप खाना खाएंगे उसका स्पेशली फैट्स वगैरह उसका बढ़िया से मतलब ब्रेक करने का और सारे चीज मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल करके ये करने का सारे फंक्शंस यही करता है। एंड इसमें इन एडिशन टू दैट आपको आश्चर्य लगेगा ये जो है ग्लाइकोजन भी स्टोरेज करता है। ग्लाइकोजन क्या है कि नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सो जब जरूरत रहता है उस समय पर उसको मतलब उपयोग कराने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि हम लोगों मतलब अल्कोहल से हो या एवी ड्रग्स इंटेक लेने की वजह से हो, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, सो ये जो सिस्टम कितना हद तक उसका जो है मॉलिक्यूल के रूप में करेगा नहीं तो उसको जो ऑटोमेटिकली डिसफंक्शन शुरू हो जाएगा। सो इसलिए कितना हद तक हम लोगों मेडिसिन जो भी हम लोगों ले रहा है उसको कम नहीं करे तो अल्कोहल लेने वाला उसको कितना हद तक मतलब लिमिट रखना चाहिए, नहीं रखे तो सो एंटायर बॉडी सिस्टम को मतलब डैमेज करने का जो भी है ऑर्गन यही है। सो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आप लोग क्लियर हो जाएगा। एक है बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन जो भी डिटॉक्स करने का है, एंड बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स एंड ड्रग्स का ये करने का है, एंड प्रोटीन्स और फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करने का, सो एंजाइम्स को एक्टिवेशन करने का है, एंड ग्लूकोगन विटामिन्स एंड मिनरल्स को स्टोरेज करके उसको जरूरत रहने का समय पर पंप करने के लिए है, और साथ साथ में प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्बुमिन्स ये सब को सिंथेसिस करने का है। सो अभी हम लोग करेंगे कि रूट कॉजेस क्या है, लाइफस्टाइल फूड हैबिट्स और सर्टन डिसीजेस भी है, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी,
एंड एक और एक मतलब ये पेशेंट के बारे में मैं कहूंगा, इज अ सप्लाई डिपार्टमेंट का ऑफिसर है बीदर का, एंड उनका टी शर्ट हर समय पर येलोइश कलर आता था। सो वो आदमी एक महीना के बाद में जो भी स्वेट येलोइश आता था वो क्लियर हुआ, एंड आफ्टर सम टाइम मतलब इतना बॉडी चेंजेस हुआ यू कैन नॉट इमेजिन। सो ये हम लोगों का जो आयुर्वेदिक का पावर है और ये जो हम लोगों इसमें ध्यान देना है। एंड सिम्टम्स स्किन आईज येलोइश होना और अब्डोमिनल पेन और स्वेलिंग आना, और स्वेलिंग ऐसा आप देख सकता है कि किसी किसी को मतलब पानी पेट में भर जाता है, एंड इवन पैर भी सूजन हो जाता है, एंड बॉडी इचिंग और डार्क यूरिन कलर एंड पेल स्टूल कलर, फेटिग्यू रहता है। एंड अभी हम लोगों जो चलेंगे कि मतलब इसका प्रोटोकॉल जो हमें डिफाइन किया गया है, सो कैसा लेना है उसको, सो कैसा काम करेगा इसका बारे में मैं आपको मतलब डिटेल्स दे देंगे। ये एक ही प्रोटोकॉल है, हेपेटाइटिस बी या सी या लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, लिवर एनलार्जमेंट, लिवर सिस्ट, वीनस इन्फिल्ट्रेशन, सिस्ट अपीयरिंग ऑन बॉडी, क्रॉनिक इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ये सारे चीज के लिए। सिर्फ क्रॉनिक इंडाइजेशन प्रॉब्लम के लिए सिर्फ लिवर के रिसेप्शन, अभी हम लोगों ले लेंगे लिवर सिरोसिस। ये जो है सप्लीमेंट एडवाइस शीट, और इसमें सुबह क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, इसमें मैं क्लियरली इंडिकेट किया गया है। एंड प्लस क्या मतलब हम लोगों ये डाइट रखना है, कैसा क्या नहीं खाना है, ये भी सारे चीज में इसमें लिखा है। पहले हम लोग चलेंगे मॉर्निंग नीम एवं पीपल के ताजा पत्ता का रस, ये उपलब्ध के अनुसार, अभी यूएस में है, यूएस में उपलब्ध नहीं है, सो या यूके में उपलब्ध नहीं है, ये जो है ट्रॉपिकल जोन में इसका जो है वो होता है। बाय चांस इन लोगों को उसका पाउडर मिले तो उसके साथ में इसको रस बना करके पी सकता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। एंड सुबह इसमें सॉरी इसमें थोड़ा मतलब वापस कैसे जाना, या क्योंकि पहले वो क्रॉनिक इंडाइजेशन में चला गया था, ये बेसिकली लीवर से ये कैसा मतलब इसको बड़ा करना है। सर ये जूम नहीं होगा। ओके जूम नहीं होगा। मॉर्निंग जो है नीम एंड पीपल कॉमन हुआ, एंड S1, S4, S5 मतलब S1 का मतलब एंटी एजिंग, एंड S4 लिवर सपोर्ट, S5 रीनल सपोर्ट, ये तीनों 15-15 ml या सीवियर ज्यादा रहे तो 30-30 ml मिक्स करके लिवर
किडनी प्रॉब्लम रहे तो थोड़ा उस समय पर पानी का मिक्स नहीं करना है, सो नहीं तो इसको 30-60 ml पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट में लेना है। एंड उसके बाद में ये जो है प्रीबायोटिक्स, ये प्रीबायोटिक्स के बारे में बताएंगे। सो प्रीबायोटिक्स क्या है कि अभी यूएस से भी कुछ लोगों बैठा हुआ है, मैं बताऊंगा। यूएस में प्रोबायोटिक मतलब प्रीबायोटिक है फूड फॉर द माइक्रोब्स, बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो गट सिस्टम में है। अभी यूएस में बहुत आदमी का जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स डैमेज होने का वजह से उन लोगों मतलब प्रोबायोटिक मतलब एडिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स इनटू द गट सिस्टम और उसको उन लोगों इंड्यूस कर रहा है। उसमें आपको आश्चर्य लगेगा कुछ कुछ इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए अमेजॉन एरिया का ट्राइबल्स का स्टूल को मतलब पॉटी को प्रोसेस करके उसको कैप्सूल के रूप में बना करके उन लोगों को इंड्यूस करता है ताकि उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स गट सिस्टम में जा करके अपना डिफाइंड काम करे। सो अभी आपको ये लगेगा अपना डिफाइंड काम क्या है। ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स बेसिकली बहुत फंक्शंस है, उसमें मेन फंक्शंस एंजाइम्स रिलीज करता है। वो एंजाइम्स जो भी फूड है, गॉड गिफ्टेड फूड, प्रकृति से जो दिया गया फूड, उस फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके कौन सा ऑर्गन के लिए क्या चाहिए उसको वो एंश्योर करता है। अभी मान लीजिए पर्टिकुलर बीमारी आने के लिए कारण पर्टिकुलर ऑर्गन्स फंक्शन नहीं कर रहा है, उस ऑर्गन्स का फंक्शन ना करने की वजह से वो पर्टिकुलर हार्मोन्स ना मिलने की वजह से ऑटोमेटिकली सम बॉडी का वेरिएशन से उसको ये टेक केयर करता है। सो अभी कुछ लोग कहता है क्या हम लोगों मतलब लेना ही है सुबह प्रीबायोटिक्स, लेना ही है लेकिन सिर्फ ये दवा या सप्लीमेंट लिए तो उसी में काम हो जाएगा, लेकिन वो लिए तो इट्स लाइक ए एडिशनल बेनिफिट। उसके लिए क्या काम करता है प्रीबायोटिक्स उसको अंडरस्टैंड करना है। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी गाइडलाइंस इश्यू किया गया था और उसमें क्लियरली इंडिकेट किया गया कि गार्लिक एंड जिंजर लेने के लिए। इधर गार्लिक इज जो है नंबर वन फूड फॉर द माइक्रोब्स, सो 3-4 कली गार्लिक सुबह खाली पेट में लेना है और उसके बाद में 2-3 स्लाइस ये लेना है क्या है अदरक। सो अदरक एंड उसके बाद में 1 teaspoon मेथी रात में पानी में मतलब सोकिंग करके और उसको सुबह पानी का साथ में उसको जो मेथी लेना है 1 teaspoon। सो मान लीजिए स्प्राउट करके फ्रिज में रख करके स्प्राउट्स भी ले सकता है। सो वो लिए तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो प्रीबायोटिक का एक्शन ये करता है फॉर द माइक्रोब्स। सो ऑटोमेटिकली जो हमारा पेट में जो भी सिस्टम है सो काम करने लगता है। सो रिजल्टेंट इफेक्ट्स आपको सी कहता है कि आयुर्वेदा का रिजल्टेंट इफेक्ट बहुत लेट हो सकता होता है। I may be the first person in the world to blend allopathic principles with Ayurveda. और इसमें allopathic में कैसा काम करता है ऐसे ही मतलब इस herbal commerce जो हम develop किया गया है वो आप ये काम करता है। आप imagine नहीं कर सकता है just लेने के बाद में within 3-4 days body ऐसा मतलब लगेगा you cannot imagine. So इसलिए ये जो पर्टिकुलरली दिस प्रीबायोटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में मैं कहा है कि फ्लैक्स ड्रिंक्स, सो फ्लैक्स के बारे में मैं कहूंगा ये जो है वर्ल्ड में इसको सुपर फूड कहता है फ्लैक्स, बिहार में इसको हम लोगों तीसी कहता है
medical drinks. बिहार में इसको तीसी कहता है एंड दूसरी जगह में अलसी कहता है. इंग्लिश में हम लोगों इसको कहता है कि फ्लैक्स सीड्स. इसमें क्या है कि और एक क्वेश्चन आएगा, फ्लैक्स सीड्स क्या जरूरत है लेने का. और कुछ लोग कहता है हीट आता है. ऑफ कोर्स हीट कभी कभी किसी को हीट लगता है, इसका बावजूद थोड़ा थोड़ा लेने के बाद में ऑटोमेटिकली वो जो है बॉडी को एडजस्ट हो जाता है. सो नाउ मैं आपको बताऊं फ्लैक्स का महत्वपूर्ण क्या है. फ्लैक्स में लिगनेंस है एंड दूसरा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है. लिगनेंस का काम क्या है? लिगनेंस बेसिकली हम लोगों का बॉडी को डिटॉक्स करता है, मतलब सेल डिटॉक्स करता है. सेल ग्रुप ऑफ सेल्स आर टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर ऑर्गन्स एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर सिस्टम और बॉडी वी कैन से. सो मतलब एंटायर बॉडी को आपको एवरी डे पंचकर्मा करे तो कितना अच्छा रहता है. सो इसमें कोई मतलब खर्चा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इसमें मेहनत करना है. वो भी मेहनत क्या है, चाय या कॉफी बनाने के लिए कितना मेहनत हो सकता है उतना ही है मेहनत इसमें. एक कुछ लोगों हमको कहा था क्या सर इसको बना करके फ्रिज में रख करके नहीं खा सकता है. मैं कहे सिंपली आपका अच्छा फिल्टर कॉफी चाहिए तो क्या कॉफी पहले ही बना करके फ्रिज में रख करके पिए तो टेस्ट मिलेगा. सो उधर आप मेहनत करने के लिए आप तैयार है, आपका शरीर के लिए एक अच्छा चीज को आप लेने के लिए मेहनत करने में क्या दिक्कत है. एंड दूसरा वैल्यू क्या है, 1 टेबल स्पून बीज. जब हमारा बच्चे को जो ब्लड कैंसर हुआ था उस समय पर ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर जोहाना बडविग थीरी से हम लिए एंड अकॉर्डिंगली फॉर मोर देन 45 इयर्स वो लेडी इसमें रिसर्च किया गया था. एंड इसमें क्या है कि 1 टेबल स्पून बीज उसका प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोगों बना करके लिए तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 और लिगनिन्स का क्वांटम 50 किलो मूंगफली में कितना है या 6 किलो काजू में कितना है या 1 किलो सालमन फिश में कितना है उतना हद तक मतलब एक चम्मच बीज में जो प्रक्रिया डिफाइन किया है उसमें बनाए तो आपको मिलेगा. मैं जो भी कह रहा हूं साइंटिफिकली मतलब डिफाइंड जो है उसी को मैं कह रहा हूं. एंड उसमें क्या है कि नेक्स्ट मैं क्या स्पेशल इसमें किया है, मतलब इंप्रोवाइज किया है. मैं क्या किया, वैदिक लिटरेचर का अनुसार जो मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अदर्स है लाइक दालचीनी. अभी दालचीनी में भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये कर रहा है बॉडी का मतलब ह्यूमिडिटी अनाउंसमेंट करने के लिए टर्मरिक पाउडर सिनेमन ये सारे चीज यूज करने के लिए. ये मैं बहुत पहले ही में लिखा. इसमें क्या है कि इस फ्लैक्स डाइट में दालचीनी और ये क्या है टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून, दालचीनी आधा टीस्पून, एक चिटका ये ब्लैक पेपर एंड आधा टीस्पून मेथी पेपर एंड ये कटोरी दही. या दही किसी को एलर्जिक रहे तो उस जगह में पनीर यूज कर सकता है. इसको हम लोगों फ्रेशली फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड करके वो ग्राइंडेड पाउडर को मिक्सी में डाल करके ये जो अन्य चीज जो मैं बताया है उसको उसमें लगा करके बढ़िया से मिक्स करके चटनी हो जाता है. उसका बाद में उसमें पानी लगा करके, मान लीजिए ठंडा मौसम रहे तो गर्म पानी या नहीं तो नॉर्मल पानी लगा करके मिक्स करके खाली पेट पे पिए तो so that means 1 tablespoon बीज लगा करके बनाए तो we can say that
₹100 पर किलो मूंगफली के वैल्यू रहे तो 50 किलो मूंगफली लिया ऐसा माना जा सकता है, मतलब 5,000 रुपीज वर्थ ये फ्लैक्स डाइट। उसमें 1 टेबल स्पून कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्स ऑयल लगा करके मिक्स करके पिए तो द वैल्यू विल ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, मतलब 10,000 रुपये का। सो ये हम लोगों सुबह जो आदमी को कुछ बीमारी नहीं है वो भी इसको लिए तो मैं आपको बताएंगे कभी भी जिंदगी में कैंसर नहीं आ सकता है एंड कभी भी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगी। सो कभी भी जिंदगी में मतलब अन्य जो भी प्रॉब्लम लेडीज के लिए मेनोपॉज प्रॉब्लम हो या बाल गिरना हो ये सारे चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, इतना पावरफुल है फ्लैक्स डाइट। ये फ्लैक्स डाइट हम लोगों गूगल में जा करके मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स मतलब सर्च करे तो सो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में है, हिंदी में है और मतलब कन्नड़ में भी है। सो मैं बाद में उसको मैं दिखा दूंगा ताकि बहुत नया आदमी ऑटोमेटिकली उसको मतलब देख करके फॉलो करके अपना हेल्थ को ठीक कर सकता है। और इधर कुछ क्वेश्चन आएगा कि क्या हम हेल्थी पर्सन है, हेल्थी पर्सन ले सकता है? यस, हेल्थी पर्सन एक बार बिफोर ब्रेकफास्ट उसको ले सकता है, लेकिन वो लेने के बाद में भूख नहीं लगे तो नाश्ता नहीं करना है, वही इंपॉर्टेंट डाइट हो जाता है। और जो अनहेल्थी पर्सन है जो भी प्रॉब्लम हो मतलब क्या मतलब ये घुटने का प्रॉब्लम हो या लिवर का प्रॉब्लम हो एक्सेप्ट कैंसर प्रॉब्लम, इन लोगों दो बार लेना है। कब? सुबह एंड शाम को स्नैक्स का टाइम 4 o'clock। एंड नाउ कैंसर पेशेंट्स, बेसिकली डॉक्टर जोहाना बडविग ये कैंसर पेशेंट्स के लिए ये ट्रायल किया था मोर देन 45 years। सो कैंसर पेशेंट्स के लिए 3 बार लेना है। कैसा 3 बार? फर्स्ट मंथ सुबह और शाम को लेना है और सुबह और शाम को लेकर के एंटायर बॉडी एडजस्ट करे तो सो देन तीसरा बार वो दोपहर में लेना है। एंड कुछ लोगों को ऑफकोर्स ये गर्म होता है सो थोड़ा थोड़ा लेकर के एडजस्ट करना है, और कुछ लोगों को ब्लोटिंग भी होता है पेट का मतलब ये हो जाता है। उन लोगों क्या है कि मैं बहुत पेशेंट्स हमको रिंग करके पूछता है, उन लोगों को इसलिए हुआ है कि उसका बाद में भूख नहीं लगे तो भी नाश्ता खाया। सो इसलिए भूख लगे तो ही यू नो नाश्ता या खाना खाना है। सो इस तरफ से ये फ्लैक्स डाइट काम करता है। सो नाउ दूसरा मैं आपको बताऊंगा, और इसमें ये भी मैं लिखा है बाय चांस कोई पेट का मतलब गड़बड़ हुआ तो गैस्ट्रो सपोर्ट लिए तो ऑटोमेटिकली मतलब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। देन दोपहर में कार्डियोवैस्कुलर केयर सिर्फ एक लेना है इन द इसमें मतलब लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर और जो भी हो। लेकिन और दूसरा ये भी है केला का डंटा का रस मतलब बनाना स्टेम जूस। सो बनाना स्टेम जूस मिले तो ये अनदर अमृत है फॉर लिवर सिरोसिस और लिवर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड डिसीजेस के लिए। नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मतलब कुछ लोगों इसमें ओडिशा में सिर्फ लिवर केयर ही दिया गया मतलब लिवर सपोर्ट सुबह दोपहर में और शाम को, उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आया है। लेकिन मैं क्या किया है सालों से इसको स्टडी करके 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 बेस्ट रिजल्ट्स किस पेशेंट्स में मैक्सिमम हुआ है, किस मतलब यू नो ग्रुप ऑफ मेडिसिन में या ग्रुप ऑफ सप्लीमेंट्स में उसको मैं डिफाइन कर दिया गया। एंड इवन लिवर सपोर्ट भी सुबह दोपहर में शाम को लिए तो ये हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं एंड वो डॉक्टर बोल दिया वो मतलब जिंदा नहीं रहेगा मतलब उसको लिवर ट्रांसप्लांट करना ही है। मैं और एक स्मॉल एग्जांपल बताऊंगा। एक लड़की है 6 years 9 months old
वो जो यशवंतपुर एक इधर एपीएमसी यार्ड है बैंगलोर में, उधर उन लोगों वेजिटेबल वेंड करता है, गरीब लोग है। सो उनका बड़ा भाई 9 साल उम्र में सेम लिवर प्रॉब्लम से मर गया था, और ये सेकेंड उनका सिस्टर है। एंड इन लोगों को मतलब डॉक्टर्स एडवाइस किया 16.8 लाख लगता है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और एडिशनल चार्ज भी 2-3 लाख लगता है, ऐसा करके इन लोग एस्टिमेशन दिया। और इन लोगों सीएम ऑफिस गया सीएम रिलीफ फंड के लिए, उधर कुछ लोगों एडवाइस किया पहले आप जाकर के उधर एक बार मिरेकल ड्रिंक्स ट्राई कीजिए, उसका बाद में हम लोगों के पास में आइए, हम लोग इसको देख लेंगे, ऐसा कुछ उधर ऑनरेबल सीएम का पीए लोगों कहा था लगता है। सो इन लोग आया लिया। सो आफ्टर 1 मंथ आया कि यू कैनॉट इमेजिन वाटर रिटेंशन जो पेट में रहता था उस लड़की को, सी 6 या 9 मंथ ओल्ड, सो टोटली वो बंद हो गया था, एंड प्लस आइस येलोइश रहता था, क्लियर हो गया था। मतलब इस तरह से ये जो प्रॉपर प्रोटोकॉल में लिए तो नंबर वन मतलब इफेक्ट होगा। और इसमें ये भी मैं लिखा है कि विषय पूरित आहार लिखा है, इसमें मैं लिखे तो फूड टू अवॉइड, ये सिर्फ अवॉइड करना है ना, ऐसा करके एक दिन खा लेगा या एक दिन दारू पी लेगा, सो देन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जो आदमी ट्रीटमेंट का पीरियड में क्या नहीं लेना है, सो वो जो लिखा है इसी का वजह से। सो दूसरा दोपहर में हुआ, शाम को अगेन सेम। सो सुबह जो लिया था एंटी एजिंग लिवर सपोर्ट रीनल सपोर्ट, ये तीनों मिक्स करके 15-15 ml विथ लिटिल वाटर में लेना है, और वाटर नहीं रहे तो भी कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही मतलब रॉ भी ले सकता है, क्योंकि दिस 100% हर्बल का डिकॉक्शन है, सो इसमें कोई मतलब केमिकल्स नहीं और कुछ नहीं। सो देन क्या खाना नहीं खाना, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसमें तेल घी और मक्खन वो 100% उस पीरियड में नहीं खाना है, और दूसरा नमक 5 ग्राम का अधिक नहीं खाना है, पानी 1 लीटर का अधिक नहीं पीना है, और नारियल पानी केले नारियल ये नहीं खाना है, क्योंकि उसमें भी कुछ हद तक मतलब ये कोकोनट चटनी वगैरह में भी ये रहता है ऑयल्स, इसलिए उस पीरियड में। और दाल में भी इजिली डाइजेस्टेबल दाल क्या है, मूंग और चना, इसका अलावा अरहर वगैरह नहीं लेना है, उतना बढ़िया से डाइजेशन नहीं होता है, एंड मीट नहीं खाना है, एंड एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है, ये सारे मतलब इसमें डिटेल्स लिखा है। एंड ये फॉलो करे तो हमको, मैं कहूँगा कि कितने वीक वो रिजल्ट आएगा। इवन जो मतलब वो लोगों कभी भी इमेज नहीं किया था, सो ये हो सकता है, ये चेंजेस हो सकता है, सो उस तरफ से चेंजेस हुआ है, यही चीज मतलब इसका प्रोटोकॉल है। एंड नेक्स्ट यही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसमें लिखा है। देन सो डाइट हॉलिडे में कह दिया, सो अभी एक क्वेश्चन आएगा, कैसा मतलब इसका जो है हर्बल कंपाउंड्स एंड होम रेमेडीज, स्पेलिंग कैसा काम करता है इसको, ये एक है प्रॉबली, मतलब कोई साइंटिफिक स्टडीज हमारे पास में नहीं है एक्सेप्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, जो पहले लिया था क्या था ब्लड पैरामीटर्स, उसके बाद में लेने के बाद में क्या था। सो प्रॉबली जो भी आर्टरीज ब्लॉकेज है लिवर का अंदर जो पॉसन हुआ है वो क्लींसिंग करके ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टिवली करेगा,
सेकेंडली वेन्स का अंदर जो भी मतलब वॉल्व्स है उसको स्ट्रेंथन करके उसका बैकवर्ड रेगुलेशन जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम को ये ठीक कर सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। नहीं तो जो डॉक्टर्स कहा है मेडिकल साइंस में, इससे कुछ नहीं होने वाला नहीं है, इसको लिवर ट्रांसप्लांट करना ही है, ऐसा पेशेंट्स को भी पेशेंट्स भी ठीक हो रहा है, मतलब इमेजिन कीजिए। अभी रिसेंट स्पीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बढ़िया कहा था कि आयुर्वेदिक का क्या पावर है। आयुर्वेदिक एक एलोपैथिक मेडिसिन जैसा एक पर्टिकुलर सिम्टम्स को एड्रेस नहीं करता, द होल बॉडी को। अभी इसमें क्या है, जब लिवर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिए तो नींद नहीं आता है, बॉडी इचिंग खत्म हो जाता है और लेग्स का स्वेलिंग वगैरह खत्म हो जाता है, एंड जो आई साइट इंप्रूव हो जाता है, एंड यू कैन नॉट इमेजिन। सो दैट मीन्स बहुत अननोन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को भी द मोमेंट ऑफ लिवर को क्लींस करे तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो है इफेक्ट पड़ता है, ये मैं कह सकता हूँ। एंड इवन जो कहा था फैटी लिवर स्टेज टू, सो उस समय पर भी उन लोगों को एक महीना डेढ़ महीने का अंदर अगेन डॉक्टर से चेक करे तो उसका मतलब रिजल्ट आया कोई फैटी लिवर नहीं है, मतलब इतना इफेक्टिव है हम लोगों का जो आयुर्वेद का जो भी मतलब हर्बल कॉम्पाउंड्स। प्लस इम्पॉर्टेंट है कि डाइट यू नो डिसिप्लिन, जो डाइट डिसिप्लिन नहीं रहा है तो सो इसका कोई मतलब अवसर नहीं पड़ता है। इसलिए मैं डाइट के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। इवन वेस्टर्न मेडिसिन का जो फादर जो कहता है हिपोक्रेटस, वो कहा कि मोर देन 2,500 ईयर्स पहले हम लोग खाना को मेडिसिन का तरफ खाना है, सो देन ओनली हमारा बॉडी फिजिशियन के रूप में काम करेगा, उसके लिए स्पेशल फिजिशियन की कोई जरूरत नहीं पड़ता। सो सिमिलरली चरका भी सेम कहा है कि आहारी शरीर शरीर आहार, क्या हम लोग आहार लेंगे सो उसी के अनुसार हमारा शरीर मतलब ये रहता है। सो आहार गड़बड़ रहे तो शरीर भी गड़बड़ रहता है, सो इसलिए डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्या है कि आओ इसमें सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में मैं क्लियरली कह दिया क्यों मतलब सर्कुलेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड जो है बेसिकली ट्रक है, ट्रक जैसा वो दोता है, क्या दोता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को हार्मोन्स को फ्रॉम द सोर्स दो करके छोड़ता है सेल पर। अगेन आफ्टर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी टॉक्सिन्स रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसको वापस लेकर के अगेन किडनी में छोड़ता है टॉक्सिन्स को, सो हार्ट में छोड़ता है राइट साइड कार्बन डाइऑक्साइड को, सो दैट वो अगेन इट विल गोस टू द लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड करके अगेन सर्कुलेट हो जाता है। और इसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी कब आता है, आपका पेट ठीक नहीं रखे तो, सो इसलिए पेट ठीक रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पेट ठीक रखना मतलब उसको प्रीबायोटिक्स देना, प्रोबायोटिक्स एडिंग एडिशनल माइक्रोब्स, उसमें क्या है कि प्रोबायोटिक में आपका घर में ये है मतलब पिकल है, अचार भी प्रोबायोटिक है, और दही है, दही भी प्रोबायोटिक है। सो दही ऑलरेडी आप लोग अलसी मट्टा लिए तो एवरीडे यू आर पंपिंग फ्रेश बेनिफिशियल माइक्रोब्स, सो इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड क्या है कि इंश्योरिंग द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू द ऑर्गन्स, हर ऑर्गन का डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भगवान डिफाइन किया है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों आइडेंटिफाई किया है, कुछ को हम लोगों अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। हम जो है जो वर्ल्ड में डिसफंक्शन हुआ तो ऑर्गन्स अगेन मेडिकल साइंस में रीजनरेट करने के लिए कोई साइंस नहीं है। अभी हमारा प्रोटोकॉल में रीजनरेट हो रहा है, कोई मैजिक में नहीं कर रहा हूं या इसमें स्टेराइड करके इमीडिएटली उनको उन लोगों को रिलीफ नहीं कर रहा हूं,
मैं इतना ही कह रहा हूं ये न्यूट्रिएंट्स को प्रॉबली रिलीज करने के लिए उसका जो माइक्रोब्स को रिजनेवेट कर रहा हूं, मतलब माइक्रोब्स डिस्फक्ट हो या उसका खुराक ठीक से नहीं मिल रहा है इसलिए काम नहीं कर रहा है या मर गया है, सो उसको हम ये कर रहे हैं, उसका जो साइकिल को ठीक करने की वजह से ये इफेक्टिवली काम हो रहा है ऐसा मैं कह सकता हूँ। एंड डिटॉक्सिंग द सेल, ऑलरेडी मैं कहे हमारा जो हर्बल कॉम्पाउंड्स भी डिटॉक्स करता है एंड अलसी का मट्टा या फ्लैक्स डाइट भी इसको करता है। सो अभी क्या है कि मान लीजिए कुछ पेशेंट्स फ्लैक्स डाइट भी नहीं लिया स्टिल उन लोगों को अच्छा हुआ है, सो इसका मतलब अच्छा हुआ मतलब मैं जो हर्बल कॉमर्स मिरेकल ड्रिंक्स पे वो भी उसका काम कर रहा है, लेकिन अलसी मट्टा लिए तो फास्ट रिजल्ट होगा एंड मल्टीपल यू नो बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। एंड दूसरा मैं कह सकता हूँ मे बी डॉर्मेंट स्टेम सेल को स्टिमुलेट कर रहा हूँ लिवर का, सो नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। एंड मे बी रीजनरेटिंग द सेल्स, मतलब डिसफंक्शनल ऑर्गन में उसमें जो है सो यही कर सकता हूँ। सो ये लिवर का है। एंड लिवर का बारे में कोई क्वेश्चंस रहे तो इसमें आप लोगों राइज कर सकता है। एंड उसका पहले मैं इसका एक बार ये दिखा दूंगा फ्लैक्स डाइट 2-10 seconds, उसके बाद में आप लोगों ऑटोमेटिकली ये ना पहले कमांड ए मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स ये टाइप करे तो बहुत आदमी नया भी है इसलिए इसमें इंग्लिश में कन्नड़ में भी है, सो आप लोग एक में एक इंग्लिश वाला काम है इसमें सर ये पहले फाइव ये My name is Abhinandan Sarkar and I serve as the academic director for the program. With 1.5 lakh vacant. Hello. Today I am going to show how to make miracle flax drink. This is basically a healthy share nahi hui hai share nahi hui oh share nahi hai okay. maximum omega 3 fatty acids lignans and mucilage gums which is so very space. important for screen share stop karke dobara share Hello. Today I am going to show how to make miracle flax drink. This is basically a healthy drink. Flax seeds has maximum omega 3 fatty acids, lignans and mucilage gums, which is so very important for a healthy living. This miracle healthy flax drink can be consumed by everyone at home. The ingredients required to make this flax drink are flax seeds, turmeric powder, fenugreek seed powder, cinnamon powder, jeera powder or cumin powder, salt to taste, curds and water. There are few points you have to remember before using
flax seeds. Once you get flax seeds from the grocery store, it should never be washed. Rather, it should be wiped on a clean towel and stored. It should never be powdered because it will go rancid or it will oxidize. And again, it must never be heated. ये important 2 points है. Seeds को fry नहीं करना है. बिहार में हम लोग क्या करता है? Fry करके उसको चटनी powder बना करके सब्जी में spread करता है या चटनी powder का रूप में use करता है. लेकिन ये fry नहीं करना है. Number two, powder बना करके नहीं रखना है. इसको आप लोगों details आप लोगों Google में press करके बाद में मतलब आप लोगों देख सकता है. It will come back to the ये सो आप लोगों को टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता हूं घर में आप लोगों ये कर सकते हैं सो देन हम लोग आएंगे अभी नेक्स्ट जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज इसमें डायरेक्टली अगेन हम लोगों चलेंगे miracledrinks.in इसका बारे में भी मैं बताऊंगा मे बी प्रोबेबली वर्ल्ड में ऐसा वेबसाइट अभी तक कोई डेवलप नहीं किया ऐसा मैं कह सकता हूं क्योंकि आप वेबसाइट में विद इन 5 मिनट्स आप मतलब डॉक्टर बन सकता है मतलब इतना मतलब आसान से एनी डिसीज अभी जाइए ट्रीटमेंट अभी इम्यून सिस्टम बूस्टर अभी इसमें इम्यून सिस्टम बूस्टर रिसेंटली मैं ऐड किया पहले एचआईवी और अर्पीस ये दोनों वायरल डिसीज है उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आया था सो दैट मींस इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है अभी कोविड हम मेंशन नहीं किया गया है इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए उधर जा सकता है सिमिलरली एनी डिसीज आप मोर देन 170 डिसीजेस आप आइए एंड प्लस ऑटोमेटिकली टेस्टिमोनियल बगल में टेस्टिमोनियल भी देख सकता है सो ना हम लोग चलेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड गॉल ब्लैडर स्टोन का ये सो एसिडिटी गैस्ट्राइटिस अल्सर आईबीएस और एसिड रिफ्लक्स कॉन्स्टिपेशन पाइल्स एंड गॉल ब्लैडर स्टोन मान लीजिए ये जो पाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट हम ले लेंगे पाइल्स एंड गॉल ब्लैडर स्टोन पाइल्स पाइल्स अभी ये पाइल्स का से रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम मैं उधर एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप लोगों को बोर नहीं करूंगा नेम का सेम एज यूजुअल मैं आपको जो बताए थे एंड उसके बाद मैं गैस्ट्रो सपोर्ट कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट एंड इम्यून सपोर्ट पाइल्स मतलब आपको मालूम है फिशेस एमराइड्स उसके लिए एक बार ऑपरेशन होने के बावजूद बाद में अगेन दूसरा बार भी बहुत आदमी का आया है इधर क्या है 2 से 3 सप्ताह में यू कैन नॉट इमेजिन लेकिन वही बहुत आदमी मिरेकल शब्द इसलिए आया कि जो आदमी यूज करता था क्या सर डॉक्टर सही से बोल रहा था मिरेकल हो गया मिरेकल हो गया सो इस तरह से मतलब विद इन वीक टू 2 वीक्स वो सारे मतलब एमराइड्स जो है जो ये पाइल्स का जो है टोटली ड्राई होने लगेगा मैक्सिमम 1 मंथ टू 2 मंथ लाइफ टाइम वो क्लियर हो जाता है सो इतना हमारा जो पावर है आयुर्वेदिक का साथ साथ में जो हम प्रीबायोटिक्स बताए वो लेना ही है एंड अलसी मट्टा लेना ही है एंड केला का डंटा का रस मिले तो ले लीजिए नहीं तो जरूरत नहीं सो आफ्टरनून S4 S3 मतलब लिवर सपोर्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट और शाम को सेम एज यूजुअल सुबह जो लिए थे गैस्ट्रो सपोर्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट एंड इम्यून केयर सेम सुबह और शाम का जो रिमेनिंग प्रोटोकॉल सेम क्या सेम है नीम एंड पीपल जूस सुबह और शाम को लेना है मिले तो सेकेंडली प्रीबायोटिक्स के हर घर में लहसुन और अदरक यही है उसको लिए तो अच्छा रहता है कुछ लोग सोचेगा कि क्या पाइल्स को लहसुन लिए तो गर्मी नहीं लगेगा नहीं 100% नहीं एंड रैदर स्पीड रिकवरी होगा एंड तीसरा अलसी का मट्टा भी सेम है जो मैं बताए थे सुबह और शाम को लेने के लिए सो यही चीज है मतलब इसमें और खाना वेरी सिंपल है कम नमक खाना
तेल को कम करना एंड रिमेनिंग. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इवन लिवर डिसीज में भी और इसमें भी, फर्मेंटेड चावल, मतलब चावल को सुबह बनाने के बाद में थोड़ा निकाल करके एक कटोरी, उसमें थोड़ा पानी और दही लगा करके नेक्स्ट मॉर्निंग खाए तो एक चम्मच चावल में कितना विटामिन B12 और अदर मिनरल्स एंड प्रोटीन्स सारे चीज रहेगा, वो जो है 3000 टाइम्स ज्यादा रहेगा. ये हम लोगों गरीब का खाना हम लोगों बोलता है, क्योंकि चावल मतलब रात में मतलब एक्सेस हुआ तो कुछ परिवार में उसका पानी डाल करके नेक्स्ट डे उस पानी को निकाल करके चावल यूज करता है, लेकिन वो बहुत यू नो न्यूट्रिशियस है. इवन ओरिसा बोकड़बात या कुछ बोलता है उसको, सिमिलरली केरला कोस्टल एरिया में भी बना करके खाता है. सो इसके लिए मतलब इसको आप लोगों एक यू नो अमेरिकन का एक मेडिकल जर्नल इतना बढ़िया सुंदर लिखा है कि यू कैन नॉट इमेजिन. इसलिए फर्मेंटेड चावल लिए तो भी अच्छा रहता है. सो देन हम लोगों एसिडिटी गॉल ब्लैडर स्टोन जाएंगे, वो भी बहुत ही मतलब प्रॉब्लम है बहुत आदमी को. So, इसमें S1, S4, S5 सेम गॉल ब्लैडर स्टोन का लीवर का जो भी मतलब ये जो प्रोटोकॉल है वही प्रोटोकॉल है, कोई डिफरेंसेस नहीं. सो एंड गैस्ट्रिक का वेरी सिंपल है, गैस्ट्रिक का आप मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कितना भी 30 साल का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहे तो भी वो आपका 5 मिनट्स है, 1 मिनट में ही आपको मालूम हो जाएगा कि कैसा मतलब रिलीफ आपको मिलेगा. इसमें सिंपल है, गैस्ट्रो सपोर्ट सुबह लेना है 30 ml एंड शाम को 30 ml गैस्ट्रो सपोर्ट लेना है बस. एंड किसी किसी को साल ओवर से चेस्ट पर ही गैस रहता है एंड या घुटनी पर या शोल्डर पर, उन लोगों पहले 30 ml लेना है. सो 5 मिनट या 10 मिनट में कुछ रिलीफ नहीं मिले तो और 30 ml और 30 ml, 90 ml लिए तो ऑटोमेटिकली 1 घंटा 2 घंटा में ऐसा आराम मिलेगा यू कैन नॉट इमेजिन. सो यही चीज है. एंड कोई भी क्वेश्चंस रहे तो कृपया आप लोगों बता दीजिए. सो आई विल यू नो एड्रेस यू. हेलो राजू सर, नमस्कार. नमस्कार सर, मैं पूछना चाह रहा था हेपेटाइटिस सी में रिजल्ट्स जो वायरसेस हैं वो टोटल नेगेटिव आया है आपके पास या वायरस लोड कम हुआ है? ये वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. सारे पैरामीटर्स चेंज हुआ है, वायरस का 100% क्लियर हम नहीं देखा है, लोड कम हुआ है, लेकिन अदर पैरामीटर्स 100% नॉर्मल हो गए हैं. ओके राइट सर, थैंक यू. And I am telling you, आपको मतलब amazing result आए and आप कभी भी मतलब imagine नहीं कर सकता है कि जो भी मतलब मतलब treatment पहले लिया है और ये लेने के बाद में उनको मतलब ऐसा लगेगा कि you cannot imagine and इतना उनको relief मिलेगा. और सर gallbladder stones में जो आप कह रहे थे gallbladder stones वो totally remove हो गया है, मतलब क्योंकि हेयर पंजाब में यहाँ बहुत इश्यू है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का. अब अभी मैं आपको बताएं गॉल ब्लैडर स्टोन में मतलब इधर डॉक्टर भारती जी आज नजर नहीं आ रहा है फ्रॉम यू नो झारखंड एंड जनरली मैं कहता हूँ 6 महीना लगेगा ऐसा, लेकिन वो जो डॉक्टर भारती अखिलेश भारती जो ट्रीट किया है सबको 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने में क्लियर हुआ. लेकिन इसमें केला का डंटा का रस लिए तो और फास्ट निकलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा एंड उसके बाद में अदर मतलब प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो जाता है साथ साथ में.
जब गॉल ब्लैडर स्टोन आप ट्रीट करें। ओके राइट सर, शुक्रिया, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस? सो और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, पूछ रहे थे गॉल ब्लैडर स्टोन क्या किसी भी साइज का ठीक हो सकता है? निश्चित रूप से किसी का साइज का ठीक हो सकता है। पेन नहीं, 20 mm से ऊपर का है। देखिए मैं बताऊंगा, किडनी स्टोन किसी साइज का मैं देखा है, लेकिन गॉल ब्लैडर का अभी तक मैं 20 mm का कोई पेशेंट अब नहीं देखा है। नहीं देखे तो मैं झूठ बोलना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो किडनी स्टोन 16 mm 17 mm भी 100% क्लियर हुआ है, एंड किडनी स्टोन 3 mm 4 mm रहे तो एक सप्ताह में ही क्लियर हो गया। जी वो तो रिजल्ट ऐसा हमको मिला भी है अभी। ठीक है, इन गॉल ब्लैडर स्टोन में गॉल ब्लैडर स्टोन आएगा 20% नहीं, वो 20 mm से ज्यादा का है। देखिए हम देखिए वेरी क्लियरली कहूंगा कि वी हैव टू ट्राई। यस सर, अकॉर्डिंग टू द मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट वी आर नॉट सपोज्ड टू टेल 100% हम लोग को ये करेंगे। इट्स अ ट्रीट करना, ट्रीट करने के बाद में ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट जो है निश्चित रूप से। देखिए हमारा आयुर्वेदा में क्या है, थोड़ा मतलब बढ़िया से मतलब हम लोगों डाइट कंट्रोल करके सारे चीज ये करें तो एक्स्ट्रा है। अभी मैं एक उदाहरण बताएंगे, आई थिंक एक सप्ताह का पहले का रिजल्ट्स है। वो जो जेंटलमैन फ्रॉम कटियार का है, साहू नाम है, जो 10 ml 20 ml शिशु आ रहा था, किडनी फेलियर हुआ था, वो उनको इसके लिए क्या है डायलिसिस के लिए ले गया था। किसी का थ्रू आया, हमारे ही बिहार का एस ऑफिसर है, वो ऐसा इन्वेंट किया है, थोड़ा ट्राई कीजिए ऐसा। वो हमको रिंग किया, उधर ही एक अरुण कुमार विश्वासी है, उनको मैं कॉल किया और उनको पूरा प्रोटोकॉल जो है कार्डियोवैस्कुलर लिवर केयर रीनल केयर पूरा उनके पास में नहीं था बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल, जो था वो दिया। वो शाम को एक डोज लिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग लिया, बेड पर ही शिशु कर दिया। एंड उनका बड़ा भाई हमको कहा कि सर ये जादू है, डॉक्टर सब लोग कहा था कि अभी जिंदगी भर डायलिसिस में रहना या किडनी ट्रांसप्लांट करना। इस तरह से एक एक पेशेंट को हो जाता है। एंड दूसरा एक पेशेंट जो है आपको आश्चर्य लगेगा कि 2 महीना पहले हर्निया ऑपरेशन हुआ था इन वायनाड, एंड उनको आवाज चला गया था उसका बाद में, तो कहा था कि आवाज वापस नहीं आएगा, हो गया। इतनी वो मोड़ के बैठे थे जब जो उधर हेल्थ कैंप था हम गए थे, एंड उन लोगों संजोग से उसका जो है मतलब रिकॉर्ड किया था जब हम उनको ये कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे। एंड उसके बाद में हमको 3 दिन के बाद में रिंग किया वायनाड से, सर उनको आवाज आ गया है। हमको डाउट हो गया, नहीं हम आप बताए तो मैं विश्वास नहीं करेंगे, हमको वीडियो करके हमको भेज दीजिए। देन वीडियो करके हमको भेज दिया, एंड आश्चर्य लगा क्योंकि आप लोगों देखा है नहीं, लास्ट टाइम में ब्रेन स्ट्रोक का समय पर हम दिखाया है, आप लोगों गूगल में देख सकता है। सो उस तरफ से यू कैन नॉट इमेजिन, सी दैट इज द पावर ऑफ आवर इंडिया, बिकॉज इंडिया का जो भी हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हजारों साल से आ गया है ये करके, एलोपैथिक का साइंस 350 to 400 years, लेकिन एलोपैथिक का साथ में ही लेना है। जो आदमी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है सडनली नहीं छोड़ना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलोपैथिक मेडिसिन का साथ में इसको लिए तो फॉर एग्जाम्पल किडनी हो या बीपी हो या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस या उनका जो है लोअर इजेक्शन फ्रैक्शन प्रॉब्लम हो, सो या वेसल स्टेनोसिस हो, लेकिन नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ करके साथ में ले तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट आ जाता है। सो यही इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई हैव ब्लेंडेड एलोपैथिक प्रिंसिपल्स विथ आयुर्वेदा, बिकॉज हमारा पिताजी को जब किडनी फेलियर हुआ था क्या क्या एलोपैथिक मेडिसिन उसको दे रहा था
उसी को मैं स्ट्रक्चर कर दिया, उसमें दे रहा था ब्लड थिनर, आर्टरी स्ट्रेंथनर, लिवर रिलेटेड मेडिसिन एंड प्लस विटामिंस, एंटासिड पेंटासिड गैस्ट्रोइड का विटामिंस, ये सारे चीज जो दिया था उसी को ये जो वैदिक लिटरेचर का अनुसार मैं स्ट्रक्चर किए, क्लिक हो गया, दैट्स ऑल। और डॉक्टर मनोज साहब आप हाथ उठाए थे, यस सर, बताइए ना डॉक्टर साहब। थैंक्स सर। हाँ गुड मॉर्निंग, प्लेजर टू सी यू, आपके बारे में मैं सुने थे। यस सर। आपका अररिया में हम सुने वो दैट लेडी 21 22 इयर्स ओल्ड जो किडनी पेशेंट वेरी फास्ट आया है, ये सब सुने? हाँ सर, ये पेशेंट है, उसको दे रहे हैं अभी दवा। ठीक है सर, कभी जरूरी पड़ेगा फिर बात करें। वंडरफुल, ठीक है सर। कोई क्वेश्चंस रहे तो, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, सिवान से सर, राम सागर। बताइए राम सागर जी, कैसे हैं आप? जी सी बढ़िया सर। एक हमारे साथी जुड़े हुए सर, नागेंद्र प्रसाद माझी जी, उनका कुछ प्रॉब्लम है सर। नागेंद्र जी, हेलो हेलो नागेंद्र जी, नागेंद्र जी हेलो हेलो, ऑडियो कनेक्टेड। नागेंद्र जी, नागेंद्र जी का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, ऑडियो कनेक्ट कीजिए। रिकनेक्ट कीजिए, आप रिकनेक्ट कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए, रिकनेक्ट। दोबारा कनेक्ट कीजिए, दोबारा हेलो, दोबारा कनेक्ट कीजिए, दोबारा। हाँ दिया, आवाज नहीं आ रहा उनको। और किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। नाम सर, झारखंड से नंदलाल। हाँ बताइए। हेपेटाइटिस बी का सर एक टीचर, अभी मैं हम लोग जो जहाँ काम कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी का है पेशेंट, उसको क्या अभी चला सकता है? 100% चला सकता है, मैं रिजल्ट्स देखा है। अभी तुरंत अभी बात कर रहे थे तो बोले ठीक है, बात करके बताएंगे। okay. एक और है जो कुछ पूछना चाह रहे हैं, नाम उन्होंने नहीं लिखा है, प्लीज आप पूछे। हैंड रेज किया आपने, माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ बताइए जी सर, मोतीपुर से बोल रहे हैं। हेलो जी। हाँ बताइए ना सर, मोतीपुर से हम बोल रहे हैं, राकेश कुमार शाही। हाँ बताइए, थायराइड का इसमें क्या ट्रीटमेंट है सर? किसके लिए? थायराइड के लिए। हाँ वेरी सिंपल, मैं आपको दिखा दूंगा, देख लीजिए। अभी पहले जाना है ये कहाँ, मिरेकल ड्रिंक्स में, और एक नोट कर लीजिए, एक एप्स है मिरेकल हेल्थ, वो मिरेकल हेल्थ एप्स में जाएगा, जाकर के उधर भी देख सकता है, लेकिन इधर मैं आपको ये देखिए, ये इसमें अदर्स में आता है, थायराइड। थायराइड के बारे में मैं आपको बताऊं जी सर, फर्स्ट मंथ थायराइड मेडिसिन का साथ में लेना है, जो एलोपैथिक मेडिसिन दिया है उसको नहीं छोड़ना है फर्स्ट मंथ, क्योंकि थायराइड मेडिसिन लेने की वजह से आपको नॉर्मल रहता है जी। जब फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद में सेकेंड मंथ 50% रिड्यूस करना है। सो 50% रिड्यूस करने के बाद में जी, देन सेकेंड मंथ कंप्लीट होने के बाद में चेक कराना है, देन आपको रिजल्ट आए तो देन फर्दर थर्ड मंथ और उसका 50% डाउन करना है।
सो धीरे धीरे टेपरिंग करके थायराइड मेडिसिन को छोड़ देना है और हमारा मेडिसिन लेने के बाद में नॉर्मल होने के बाद में हमारा मेडिसिन परमानेंटली लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं। लाइफ टाइम जे लेने का एक दो ही चीज है, एक है अलसी का मट्टा घर में ही है और एंटीबायोटिक लहसुन अदरक घर में ही है, वही दो चीज आप लाइफ टाइम लेना है और ये नहीं लेना है जी। लेकिन और मान लीजिए सेकेंड मंथ आपको कुछ रिजल्ट नहीं आया सो नहीं छोड़ना है दवा, अगेन उसको दवा को अगेन लेना। सो तीन महीने, कुछ लोगों को दो महीने में रिजल्ट आया, तीन महीने, लेकिन एक्स्ट्रा रिजल्ट आया जी सर। थैंक यू। ठीक है, अभी देखिए सारे चीज में लिखा है जो चाहिए, और आप लोगों ये भी नोट कर लीजिए, मैं एप्स डाउनलोड कर लीजिए, एप्स के बारे में मैं लिखूंगा इसमें, वो एप्स में एवरीथिंग इज देयर। ये अभी एंड्रॉइड में है, एप्पल में नहीं आता है, एप्पल में स्ट्रक्चर हो रहा है। प्ले स्टोर में जा करके मिरेकल हेल्थ, मिरेकल हेल्थ जी सर, या मिरेकल ड्रिंक्स टाइप करे तो वो सिंबल आ जाएगा, मिरेकल ड्रिंक्स का लोगो आ जाएगा और उसमें टेस्टिमोनियल से लेकर के हर चीज, मतलब उसमें क्या नहीं है, मतलब एवरीथिंग आप लोगों को देख सकता है जी सर। तो भूषण जी है, भूषण जी पूछे सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए भूषण जी। सर मैं उमेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर। नमस्कार सर, माँ आ गई है सर घर, वो रिलीज हो गई है हॉस्पिटल से। नहीं सुने। उमेश मांझी जी है आई थिंक सर, उमेश पटना से सर। उमेश मांझी सर, बताइए। सर नमस्कार, सबसे पहले माँ वापस आ गई है सर हॉस्पिटल से घर, और उसका अभी खाना वगैरह पचना शुरू कर दिया है सर। वेरी गुड वेरी गुड। और वो ड्रिंक और वो अपना ड्रिंक्स और साथ में मेडिसिन चला रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है, गुड। सर हमारे एक संतोष साथी जुड़े हुए हैं नवादा से, कल रात में बात हुई थी, सौरभ सर से भी बात हुई थी। सर उनका हाइड्रोसिल बढ़ रहा है और उसमें पानी आ गया है, तो उसमें सर कौन सा चलेगा? सेम लिवर प्रोटोकॉल। लिवर प्रोटोकॉल सर। अच्छा, लिवर प्रोटोकॉल, डाइट भी वैसे ही रहेगा, डाइट भी। जी 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 जी, थैंक यू सर। ठीक है, भूषण जी पूछे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए कैसा है भूषण जी? एक्चुअली ये केस है सर, अभी सामने उनका ट्रीटमेंट करना है, बुधवार को उनको दवा देनी है। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आपका कम आ रहा है भूषण जी। एक मिनट सर। सर अभी एक सामने रिपोर्ट हमने देखा, उनका ब्रेस्ट ट्यूमर है सर। और तो ब्रेस्ट ट्यूमर में हमने इसे बुक में अध्ययन किया, तो हमने बताया कि उनका तो ऐसे सारा डिटेल है, लेकिन आप थोड़ा गाइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर। ब्रेस्ट ट्यूमर में सर, अभी देखिए उसके लिए क्या देना है, मैं आपको दिखा दूंगा। वन सेकेंड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आ रहा है, वो जो है ब्रेस्ट ट्यूमर। शेयर नहीं हुआ सर। ओ शेयर है, ओके। देखिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, लेकिन आपको सिखा रहा है सोलन लिम्फ नोड, ये जो है यही प्रोटोकॉल है। सुबह 1:07, शाम को 1:07, आफ्टरनून 3। आप इधर बोल दीजिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आता है इसमें। सुबह एंटी एजिंग एंड इम्यून केयर, दोपहर में कार्डियोवैस्कुलर, इवनिंग एंटी एजिंग एंड इम्यून केयर, एंड रिमेनिंग प्रोटोकॉल्स आर सेम, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फ्लैक्स डाइट, एवरीथिंग इज सेम। एक महीना में ही मतलब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक
ठीक है। सो जितेंद्र सरन जी आप पूछे। जी सर। सर मेरा सर प्रश्न है कि सर अपना सर एंटी एजिंग सिरप आता है सर, तो ये बाल जो सर असमय सर सफेद होता है तो उसमें सर उसका रोल है या कुछ अलग से कुछ देना होगा सर? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो भी बाल का हो या मुंह पर एक्ने प्रॉब्लम हो या स्किन का जो भी मतलब इचिंग हो या स्कार हो, ये सारे चीज लीवर का है, लीवर रिलेटेड। सो इसमें एंटी एजिंग में है, एंटी एजिंग लिवर केयर रिनल केयर सुबह और शाम को लेकर के एक महीने में ही आपको पूरा रिजल्ट आ जाए। एक ही महीने लिवर वाला भी साथ में लेना होगा। हां, लिवर प्रोटोकॉल लेना, एक दो महीना ले लीजिए बस हो गया, और उसके बाद में तीसी का मट्टा या अलसी का मट्टा जो कहिए। और ये और किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ ले। So, ठीक है, कोई सवाल नहीं है लगता है। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए जी। डॉक्टर रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर। सर जी, मैसी से बोल रहे हैं। लुकमिया टाइप का, जैसे कि ब्लड नहीं बन रहा है, तो उस पेशेंट को क्या दिया जाएगा जो कि 40 एज है? ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा उसका प्रोटोकॉल। देखिए, ट्रीटमेंट गए इधर कैंसर में जाना है। कैंसर ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर का एक है एंड ब्लड कैंसर का एक है। ये ब्लड कैंसर का प्रोटोकॉल देना है। इधर आप ये कीजिए, इधर जाइए, ऑटोमेटिकली आ गया। सुबह क्या लेना है, शाम को 1457 1 4 5 ऑलमोस्ट लिवर रिलेटेड ओनली। आफ्टरनून इम्यून केयर है, बेसिकली इम्यून केयर डेवलप किया था एंटी कैंसर के लिए, लेकिन लाइसेंस इन लोगों मना किया, एंटी कैंसर नाम हम लोगों नहीं दे सकता है। Then इसको इम्यून केयर का नाम पर आ गया 2015 में जब इसको लाइसेंस मिला था। एंड आज जो है उस समय पर कैंसर को ये तो मतलब बहुत ये हो जाता, ओनली कैंसर पेशेंट्स के लिए होता था। अभी ये इम्यून केयर मैं यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस के लिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आ रहा है। इवन फॉर कॉफ एंड फीवर उसके लिए भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है इम्यून केयर। और बताइए। हेलो सर, आई वांट टू आस्क अबाउट टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है क्या? टाइफाइड फीवर अभी तक मैं ट्रीट नहीं किया है, लेकिन सो निश्चित रूप से लिवर प्रोटोकॉल उसके लिए अच्छा होगी। ट्रीट नहीं करे तो मैं हमको जो नहीं किया बोलने में आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए। नहीं नहीं, बात ठीक है सर आपका, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, आई एम सो हैप्पी इस बार मैक्सिमम डॉक्टर्स साहब लोग आया हुआ है। एंड ये जो है बेसिकली ये जो वेरी वेरी न्यू सिस्टम ऑफ यू नो ये जो है मेडिकेशन प्रोटोकॉल है ये। एंड इसमें हमारा जो एज ओल्ड सिस्टम है आयुर्वेदा का, उसका साथ में एलोपैथिक साइंस में वेल डिफाइंड जो सिस्टम है उसको कन्वर्ज करके इसको डिराइव किया है। एंड उसका रिपोर्ट का अनुसार इधर देना है। इधर वाता पिता कफा को मैं कंसिडर नहीं किया है। मान लीजिए घुटने का प्रॉब्लम है, वाता हो जाता है, उसको कर्ण नहीं लेना, ये नहीं। लेकिन एलोपैथिक साइंस में कर्ण इज वेल डिफाइंड, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है क्या है वेल डिफाइंड है वो। सो इसलिए मतलब इट्स अ ब्लेंडेड प्रिंसिपल्स है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहा है। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगेन। 2 बजे भी है दूसरा कन्नड़ लैंग्वेज में है? और कोई ऐड हुआ है? हाँ बताइए, कोई इश्यू रहे तो। ओके तुनु जी, शैल वी? हाँ ओके सर, ओके, फाइंड अप इट। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू
हेलो सुना सर? हाँ सर, अपना एक बात करने का था। जोशी जी बोलिए। जी सर, सर अमित सर को भी लाइन में लीजिए ना थोड़ा। अभी हेल्थ से रिलेटेड है कुछ? नहीं तो अभी बात नहीं, नहीं। टुना जी बात करेंगे, वो भी तो सारे बैठे हैं ना, बात। चलो सर ठीक है, मीटिंग वहां से एंड कर दीजिए। ठीक है सर।